हेलो गाइस, मैं क्या सो ये वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज लोकेटेड इन अमरावती, इस कॉलेज का हम रिव्यू करेंगे। तो ये कॉलेज का फीस क्या है, ये कॉलेज का कट ऑफ क्या है, तो कॉलेज में कौन कौन से रिक्रूटर आएंगे फॉर रिक्रूटिंग, प्लेसमेंट कैसी देती है ये कॉलेज, और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज कैसा है इस कॉलेज का, हम इस वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964। तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसके लिए दिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि ऐसा होता है कि जो कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट काफी पुराना होता है, विच आर इन लाइक 1970 1960, दैट आर मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर मैंने दिया है। इट इज लोकेटेड इन अमरावती, गवर्नमेंट कॉलेज है, विच इज अ वेरी प्लस थिंग अबाउट दिस कॉलेज। क्या क्या फायदे है गवर्नमेंट कॉलेज के आगे हम देखेंगे। ऑटोनॉमस कॉलेज है गाइस, तो ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब ये होता है कि जो भी आपका एजुकेशन करिकुलम है, एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम डेट्स है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है। सो जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज होता है वो कॉलेज अफिलिएटेड होता है एक यूनिवर्सिटी से, दैट कैन बी एनी यूनिवर्सिटी। जैसे मुंबई में जो कॉलेज आते हैं वो मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं, पुणे में जो आते हैं वो पुणे यूनिवर्सिटी से, बट दिस इज ऑटोनॉमस। सो कॉलेज के जो भी फंक्शन है वो कॉलेज को डिसाइड करेगा। एंड AAC एक्रीडेशन मिला है इस कॉलेज को, B+ ग्रेड मिला है, विच इज़ अ गुड ग्रेड। लाइक ग्रेडिंग सिस्टम होता है A+, A++, A, B+, B++, B, तो B+ मिला है यहाँ पर, विच इज़ लाइक गुड थिंग। एडेड कॉलेज है, तो एडेड कॉलेज का मतलब ये होता है कि कॉलेज को चलाने के लिए जो फंड चाहिए वो कॉलेज गवर्नमेंट के थ्रू लेता है, तो ये होता है एडेड कॉलेज। एंड मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं आपके वो एडेड कॉलेज ही होते हैं। इट प्रोवाइड्स बीटेक डिग्री, तो बीटेक डिग्री मैंने इसके लिए यहाँ पर दिया है क्योंकि आपको जो BE डिग्री है यहाँ पर, BE डिग्री कॉलेज प्रोवाइड करता है मोस्टली, बट गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको वो बीटेक डिग्री प्रोवाइड करते हो और टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो बीटेक डिग्री है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज। नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है गाइस, तो कोई भी रिलीजन माइनॉरिटी नहीं है यहाँ पर, राइट। आपको एडमिशन जो है वो मेरिट के बेसिस पर, दैट मीन्स कैप राउंड के बेसिस पर ही मिलेंगे। ओवरऑल प्लेसमेंट यहाँ पर 60% था, ये कॉलेज के वेबसाइट पर मेंशन्ड है। एग्जाम थ्रू विच यू कैन एंटर इस MST CET ओनली, राइट। MST CET के द्वारा ही होगा, ये नहीं कि आप पैसे देकर एडमिशन ले सकते हो, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। कोर्सेज देखते हैं हम, क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है आपको एक कॉलेज। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो टोटल यहाँ पर आपके 7 कोर्सेज है। तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके क्या कट ऑफ है वो अब हम देखते हैं। तो 2020 में जो भी आपको कट ऑफ दिखेगा वो ग्रीन कलर का होगा, और 2021 का जो भी कट ऑफ होगा वो आपको येल्लो कलर में दिखेगा। 2 साल का कट ऑफ मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, तो वो इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपेरिजन के लिए जो है वो अच्छे से पता चले। तो जो भी ब्रांच में आपका कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में अच्छा हुआ रहता है कम एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और अगर आपका जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्लेसमेंट लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं था उस ब्रांच में। सो यस, ये एक होता है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का ट्रेंड देखना कि कैसा हो रहा है वो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका 96.8 था, 97 हुआ, डिक्रीज हुआ है 0.2% से, राइट। 96.8 इट वॉज इन 2021 और 97 था इन 2020। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका 95.3 हो गया फ्रॉम 95.6, 0.3 का यहाँ पर डिक्रीज देखने मिला है हमें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर आपका 87.9 हो गया फ्रॉम 90.5। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 92.2 हो गया फ्रॉम 92.6। सिविल इंजीनियरिंग आपका 91.3 से 85.7 हो चुका है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 85.2 से 75.9। मैकेनिकल आपका 91.9 से लेकर 85.8। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ही है जो आपको, जो कि लाइक थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा इस कॉलेज में लेते टाइम। तो यहाँ पर इसका जो कट ऑफ है वो 10% से डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये था कि जो 2021 में आपका जो प्लेसमेंट है वो इतना अच्छा नहीं मिला इस कॉलेज में, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग मेरे हिसाब से। और बाकी सब हम देखें तो इतना कोई मेजर चेंजेस नहीं है, 0.3 0.4 का ही डिक्रीज देखने मिल रहा है हमें। और मैकेनिकल में जो है आपका वो 5% का डिक्रीज है, बट ट्रस्ट मी मैकेनिकल का 5% डिक्रीज भी जो है वो आपका मिनिमल ही माना जाएगा, क्योंकि
काफ़ी कॉलेजेस जो है 2020 और 2021 में लाइक जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो मैसिव हुआ है. लाइक जिसका कट ऑफ 80 था वो 17% तक भी पहुंच चुका है कोई कोई कॉलेज में, बट यहाँ पर आपका 5% का ही डिक्रीज है. तो इसका मतलब ये लाइक इतना कोई खराब सीन नहीं होगा इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, राइट? तो आप एडमिशन ले सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन. सो एज दिस वॉज अबाउट द कट ऑफ गाइज, ये था आपका कट ऑफ का रेंज. अब हम देखते हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने सीट्स अवेलेबल है, कैसे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अब हम देखते हैं. सो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स आपके. कैप सीट्स आर 60 एंड माइनॉरिटी सीट्स आर 0. जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है. इंस्टीट्यूट सीट्स भी हैं यहाँ पर 0. तो ये जो है ये काफ़ी प्लस पॉइंट होता है गवर्नमेंट कॉलेज का. इंस्टीट्यूट सीट्स मतलब ये होता है कि कैप सीट्स के बाद कुछ सीट्स जो है कॉलेज एलोकेट करते फॉर इंस्टीट्यूट सीट्स, और इंस्टीट्यूट सीट से ही जो है कॉलेज लाइक प्राइवेट कॉलेज पैसे कमाते, क्योंकि इंस्टीट्यूट सीट्स में ऐसे बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनका कि कट ऑफ उस रेंज में अप्लाई नहीं होता है. तो इंस्टीट्यूट सीट्स लाइक कॉलेज का जो रेपुटेशन है इतना ख़राब नहीं होता है, बट ऐसा हो जाता है कि 17% वाला बच्चा भी 90% के कॉलेज में घुस सकते हैं इंस्टीट्यूट सीट्स के द्वारा. तो उसमें आपको डोनेशन देना पड़ता है अच्छा खासा. लाइक अगर आपका फीस 1 लाख है तो आपको 2-3 times डोनेशन देना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू दिस कॉलेज. सो यस, ये एक प्लस पॉइंट होता है गाइस इंस्टीट्यूट सीट्स ना होने का. तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं मिलेगा यहाँ पर, आपको एडमिशन जो है वो कैप राउंड में ही होगा. तो इसके लिए आपको जो कट ऑफ दिया था मैंने उस कट ऑफ रेंज में ही लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू दिस कॉलेज. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बात करें टोटल है यहाँ पर 60 सीट्स, कैप सीट्स आर 60, राइट? और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 60. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी टोटल है 60 सीट्स आपके. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी है 60 सीट्स. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में है टोटल आपके 30 सीट्स. और ये कोर्स जो है वो मैंने आपको बोला था अवॉइड करने, राइट? तो ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस. लाइक मैं 1 साल से कॉलेज रिव्यू बना रहा हूँ और प्लेसमेंट देख चुका हूँ मैं तो कैसा होता है. तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको अवॉइड करना इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. और देखिए अगर हम तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हेयर आर ऑल्सो 60. तो यस, दिस वॉज अबाउट सीट डिस्ट्रीब्यूशन गाइज. अब हम फीस देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू 2020 एंड 2021 बैच, फीस फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज 85,160, विच इज़ वेरी मिनिमल क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और फीस अगर आपका इंजीनियरिंग में 1 लाख से कम है तो अच्छा ही माना जाता है. सो एज पर दिस द टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम शुड बी अप्रॉक्स 3.4 लाख. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर है ओपन के लिए 85,160 है. फॉर TFW विच इज ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो आपका मैच हो रहा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है विच इज TFWS. तो उसमें अगर आप आओगे तो आपका 76,000 हो जाएगा फीस. रिजर्व कैटेगरी फॉर SC ST के लिए हो जाएगा 4,810. OBC VJNT 1-3 इट विल बी 44,660. सो यस, दिस वॉज द फीस स्ट्रक्चर गाइज. रिक्रूटर्स अब हम देख लेते हैं. तो ये सारे आपके रिक्रूटर्स है गाइज. TCS पुणे कोड विस्ता सिलेक्शन प्रोसेस, अमेजोन सॉफ्टवेयर, लासन एंड टर्बो, विप्रो, हेक्सावेयर, जोहो. तो ये सारे हैं गाइज आपके रिक्रूटर्स जो कि इस कॉलेज में आ चुके हैं. एंड दिस आर द मेजर कंपनीज विच हैव विजिटेड, कॉग्निजेंट, लासन एंड टर्बो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सैमसंग, TCS, टेक महिंद्रा, एनवीडिया, परसिस्टेंट. तो ये सारे हैं आपके कंपनीज एंड दिस आर द मोर कंपनीज विच वी हैव डिस्कस्ड हियर. एंड प्लेसमेंट की बात करते हैं हम गाइज. तो यहाँ पर प्लेसमेंट अगर हम देखें तो ये है आपका फॉर BTech स्टूडेंट. एंड हाईएस्ट पैकेज अगर हम देखें तो ये इस वाले जो फोटो में 7 LPA जा रहा है एंड इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाई TCS. और कितने बच्चों को प्रोवाइड किया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 8 बच्चों को मिला है, IT से 4 बच्चों को मिला है, ENTC विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से आपको 2 स्टूडेंट लोगों को मिला है, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 1 स्टूडेंट लोगों को मिला है. तो इस टोटल 16 मिला एंड 7.01 लाख पर एनम का पैकेज मिला है यहाँ पर. और अगर हम देखें तो 18 LPA भी गया फ्रॉम अमेजोन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर. AWS से मिल जाता है, लाइक आपको अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए. और 1 स्टूडेंट को मिला है यहाँ पर. एंड विप्रो टेक्नोलॉजीज, तो एवरेज अगर हम देखें पैकेज तो आपका जाएगा 3.5-3.6 तक. और
यहाँ 18 LPA भी गया फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स विच इज फ्रॉम बैंगलोर। ये क्यों दिया पता नहीं, क्योंकि नील ने यहाँ पर दिया है टोटल स्टूडेंट्स में, बट एनीवेज कॉलेज के वेबसाइट पर ही मेंशन है। एंड और अगर हम देखें तो प्लेसमेंट इनसाइट अगर हम देखें तो 2021 में आपका मीडियम सैलरी वॉज 4.85, एवरेज था 4.32 और मैक्स सैलरी वॉज 14.5 लाख प्लस, ठीक है। तो अगर हम देखें 14.58 और यहाँ पर ये इसलिए दिया क्योंकि आपका जो है प्लेसमेंट प्रोसेस वो अभी भी चल रहा है फॉर 2021 एंड 2022। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज अब हम देख लेते हैं तो लाइब्रेरी, कैंटीन विच इज योर मेस, जिम, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई, कैंपस एंड हॉस्टल फैसिलिटीज है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेटली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज भी लाइक जो कॉलेज आपको एक प्रोवाइड कर सकता है वो आपको ये कॉलेज प्रोवाइड करेगा। दिस इज योर कॉलेज एंट्रेंस, दिस इज द ऑडिटोरियम, दिस इज द मेन बिल्डिंग, क्लासरूम एंड यस दिस वॉज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अगर हम देखें तो बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको देखने मिलेंगे। लैब्स फैसिलिटीज की बात करें अगर हम तो सिविल इंजीनियरिंग लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो लैब्स होते हैं लाइक मोस्टली हर कॉलेजेस में वो आपको इस कॉलेज में देखने मिलेंगे। सो यस दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस कॉलेज यू कैन कमेंट बिलो। और कंक्लूजन की बात करें तो ये कॉलेज इज वेरी गुड, नो डाउट गवर्नमेंट कॉलेज है राइट, तो आपको प्लेसमेंट भी जितना फीस दे रहे हो उसके हिसाब से अच्छा मिल रहा है। और ये जो कॉलेज है आपका लाइक लो कट ऑफ रेंज में आ जाता है फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का जो आपका कट ऑफ है वो हाई होता है, बट यहाँ पर आपको 95-96% में एक अच्छा ब्रांच मिल जाएगा ऑफ इंजीनियरिंग। सो दिस इज अ गुड कॉलेज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।